राइज इन वॉम वेलकम टू मॉड्यूल वन ट्वेंटी के बाद जब बीस हो जाता है तो समझ ले बड़ी करीब हो जाएगी एंटरप्रोरशिप इन डिस और डिस ग्रुप होते क्या हैं जैसे हमने अभी क्रिमिनल ग्रुप्स को देखा हम मुख्त ग्रुप्स को स्टडी करना शुरू करते हैं डिसडवाटेज ग्रुप कौन होता है डिसडवाटेज ग्रुप वो होता है

और अगर आपको कोई मनी सप्लाई की जरूरत है या रिसोर्स की जरूरत है तो विद इन नो टाइम और हैक ऑफ टाइम किस तरीके से मिलेगा ये वो ग्रुप है जिसका हाइपोथेसिस में पेश करने लगा वन थॉट प्रोवोकिंग हाइपोथेसिस दैट बीइंग डिसएडवांटेज मे एक्चुअली मेक वन बिकम मोर एंटरप्रेन्योरियल फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल एंड गोफी सजेस्ट एंटरप्रेन्योर्स मे बी मोर लाइकली टू इमर्ज फ्रॉम दोस ग्रुप्स इन सोसाइटी विच आर डिप्राइव्ड और मार्जिनल अच्छा हमने ये चीज तो बड़ी अरसे क्लियर कर ली थी कि एंटरप्रेन्योर्स नॉर्मली वहीं से आते हैं और उस स्टेटस को, को चैलेंज करते हैं एंड दे गो इन टू दैट और नॉर्मली गलत ये होता है वो वैसे हो जाते हैं और मैं आपको अपनी पर्सनल साइकोलॉजी बताऊं ऐसा सही है ऐसे हो जाते हैं लेकिन अगर आप प्लीज कंट्रोल करें और मेजलो की हरारती के मुताबिक फिजियोलॉजिकल नीड के बाद जब आप सेल्फ एस्टीम से होते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाए तो प्लीज पैरलरली सेल्फ एनलाइटनमेंट की तरफ भी जाइए ये सेल्फ एनलाइटनमेंट क्या है यानी पहले अपने वजूद को लीजिए फिर वजूद की नफी कीजिए यानी आपने अल्लाह के वजूद को माना और उरूज को पकड़ लिया उरूज के बाद आप अपनी नफी कीजिए कि ये जो अरूज भी मुझे मिला है कि सब अल्लाह का है इससे आपके अंदर फिरौनियत नहीं पैदा होगी बल्कि इन्ाइटनमेंट पैदा होगी इनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि आपने तजकिया नफ्स कर लिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यही बात मैंने यहां बताई कि आपने डिप्रीवेशन से निकलते हैं तो आपके अंदर वही बुराइयां पैदा हो जाती हैं जो उस स्टेटस को में थी आपने उससे इजतनाब करना है ना दैट इज द ग्रुप विच इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड लुक डाउन अपॉन द एक्सेप्शनली एक्सप्लॉयटेड अच्छा पहले एक्सप्लॉयटेड होते हैं फिर ये एक्सप्लॉयट करते हैं ये भी बाकी लोगों के साथ वही कुछ करते हैं जो उनके साथ हुआ होता है विच इज बैड तो so, मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ यू आर अंडर द डिसएडवांटेज ग्रुप ट्राई नॉट टू डू दैट बल्कि आप ऐसा कीजिए कि वो नेटवर्क बनाएं और आगे आने वालों के लिए वो सहूलत पैदा करें ताकि उनको वो चीज़ें ना इख्तियार करनी पड़े जो वो करते थे थैंक यू वेरी मच